अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने ज़ुमान में रखे। सो आज का ब्लॉग बहुत 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 स्पेशल है, मिस मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो फिर चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। व्लॉग स्पेशल क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, वेलकम व्लॉग है ये। यस, ईशान आ रहे हैं 10 डेज बाद। वो अपने तायबू के घर गए हुए थे, तो मेरा भांजा जो है ना, 10 दिन जब से वो पैदा हुआ है ना, पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि वो 10 दिन मुझसे दूर रहा है। मैं जो हूँ ना, उसके बगैर रहती ही नहीं हूँ। मैं अपनी बहन वगैरह के भी जाती हूँ तो 4 दिन ज़्यादा मैक्स, कभी भी मैं उसके बगैर 4 दिन 5 दिन रह लिया तो रह लिया। इतने दिन बाद वो आ रहा है तो मैंने सोचा कि मैं जो उसका वेलकम वैसे ही करूँगी जैसे वो मैंने फ़ील किया ना इतने दिन उसके बगैर। तो मैंने कहा वैसी स्पेशल फील करवाना है उसको भी, क्योंकि मैंने उसको बहुत मिस किया। मतलब आप लोगों ने अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पे फॉलो करो, वहाँ पे आप लोगों ने पोस्ट देखी होंगी कि ना मैं शान को मिस कर रही हूँ, क्या हो रहा है शान के बगैर कैसे। लेकिन जो है आज मैंने काफ़ी सारी डेकोरेशन की है, वो क्या की है और किस तरीके से प्लानिंग की, क्या क्या गिफ्ट्स ली है। गिफ्ट्स के बगैर तो ना सब चीज़ें अधूरी हैं। तो शान को जो है ना गिफ्ट जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं, कि बस गिफ्ट तो सबको ही अच्छे लगते हैं खैर से। सो मैं आज सुबह से आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या किया। और मेरा पार्सल डिले हो गया था, जो मैंने शान के लिए कुछ मंगवाया था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो चलो ब्लॉग को जो है स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग मॉर्निंग से। अभी बजे हैं 11 और नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है और मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी आज मार्केट। लेना है वो मैं आप लोगों को मार्केट में जाके थोड़ा बहुत ब्लॉग करूँगी ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे जब मैं ये ब्लॉग बना लूँगी प्रॉपर तो इंट्रो में तो आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने क्या डेकोरेशन की है। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। और सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मुझे कुछ सामान लेना था ईशान के लिए गिफ्ट में। मैंने सोचा था ईशान के लिए कुछ अच्छे से ड्रेसेस वगैरह ले लूँगी जो ईशान ईद पे वेयर करेगा, गिफ्ट्स भी हो जाएंगे और उसके काम भी आ जाएगा। बाकी डेकोरेशन का जो है वो सामान ले लिया था यहाँ से, जो वेलकम का बैनर था और बलून। मुझे फॉइल बलून लेने थे पर यहाँ पर फॉइल बलून नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं वो वाले बलून वो ले लेती हूँ, सिंपल बलून और बैनर्स। छोटी छोटी खुशियां होती हैं ये, तो ये बंदा सेलिब्रेट कर ले कोई तो कोई हर्ज नहीं है। तो बस अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कर ली है शॉपिंग और लग रही है मुझे भूख, और हल्की फुल्की भूख में जो है ना टक बिस्किट नहीं चलते, ये चलते हैं गोल गप्पे। यस, मुझे ये बहुत पसंद है तो मैं हर जगह के मेरे कज़न्स तो मुझे यही कहते हैं आपके लिए ना, आपसे तो रिव्यू ले ही नहीं सकते गोलगप्पे के, क्योंकि आपको हर जगह के गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। तो बस मुझे जो है ना गोलगप्पे होने चाहिए, वो जैसे भी हों मुझे पसंद आ जाते हैं। तो बस ये यहाँ पे मेरी जो है ना शॉपिंग
इनकम्प्लीट रहती है। अगर मैं रिंग्स वगैरह ना लूँ, तो मैंने ईद के लिए कुछ रिंग्स वगैरह लिए हैं, वो मैं आप लोगों को ईद पे दिखाऊंगी। तो ये जो है मैंने केक बना रही हूँ, घर आ गई हूँ मैं और इस वक्त बज रहे हैं 2। मार्केट से आके बेकिंग करना बहुत टफ़ होता है। मैं तो वैसे पापा यही कह रहे थे कि तुम आके मार्केट से तो कुछ करती नहीं हो, आज तुम केक बनाने खड़ी हो गई। तो बस मैंने ये जो है ना आप लोगों को रेसिपी इतनी दफ़ा दे दी है, तो इसलिए मैंने इतनी प्रॉपर रेसिपी नहीं दी अभी। अगर आप लोगों को ये केक की रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल पर जाके विज़िट कर लो, आप लोगों को आराम से जो है ना रेसिपी मिल जाएगी केक की। तो और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करना, इससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। तो बस केक बेक करने के लिए मैंने डाल दिया और कर ली है क्रीम बीट। सो ये जो है ना बहुत ही फेवरेट मोमेंट होता है मेरा, क्योंकि मुझे क्रीम विप करना बहुत पसंद है और मुझे केक जो है वो रेड बनाना था, तो ये मैंने रेड कलर डाल दिया और देखा तो फिर मेरे पास रेड कलर ख़त्म हो गया, तो वो प्रॉपर रेड कलर नहीं आया जो मैंने ईशान की बर्थडे पे कलर बनाया था ना रेड, तो वो कलर तो नहीं आ पाया, लेकिन ये था कि थोड़ा बहुत रेड बन गया था। सो फाइनली मेरा केक जो है वो रेडी हो गया है। मेरे हाथ आप लोग देख रहे हो जैसे रेड रेड पिंक पिंक हो गए, और ये मैंने कुछ ली हैं बंटीज, और ये ईशान को बहुत पसंद है। लाइक ईशान इसको बंटी नहीं कहता, इसको कहता है वंटी। तो ये जो है ना मैंने वंटीज ली हैं, और मैं जो हूँ इस पर कर रही हूँ स्प्रिंकल्स। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया है एक मेरा पार्सल जो कि मैंने ईशान के लिए ड्रेसेस ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, और मैंने 2 सूट ऑनलाइन मंगवाए थे और बाकी 1 सूट मैंने जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने वहाँ से ले लिया था। और मैंने जो है ना इसको काफ़ी दिन पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन ये वेट करते करते उसी दिन पहुँचा जिस दिन मुझे ईशान के लिए सेलिब्रेट करना था। तो ये काम भी बढ़ गया मेरा, और मैंने अभी तक गिफ्ट पैक नहीं किए। मैंने सोचा था कि मैं गिफ्ट पैक करके ईशान को दूँगी, उसको वो गिफ्ट जब खोलता है ना तो उसकी एक्साइटमेंट जो होती है ना वो मुझे बहुत बहुत पसंद है। ये जो है ना ये मेरी नेबर है, मेरी दोस्त, और मेरे साथ हेल्प कराने आई, क्योंकि इतने सारे गुब्बारे तो मेरे बस के है ही नहीं अकेले फुलाना। थैंक यू कायनात, वेलकम। तो बस अभी हम कर रहे हैं पैकिंग और अभी बज रहे हैं 7, और ईशान थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाएगा। सो डेकोरेशन आर रेडी। ये अभी मैंने थोड़ा सा किया, अभी केक आना बाकी है था, तो बस अभी ईशान जो है आने वाले हैं। अभी वो मैं सबसे पहले जो है ना पप्पा का रिएक्शन लूँगी। पप्पा को मैंने बोला कि जब तक रूम में सब सेट ना हो जाए आप नहीं आइएगा। अभी मैं बुला के लेकर आई हूँ पप्पा को। पप्पा आए, पप्पा आ जाए। हाँ भाई। ओहो नैना, तुम्हारी एक खूबी है जिसको मोहब्बत करती हूँ ना तो बिल्कुल कूट के करती हूँ। हाँ, वो पापा मुझे यही कह रहे थे कि मतलब क्या है, क्या क्यों कर रही हो, है क्या वजह। वेलकम कर रही हूँ ना, इतने दिन बाद इंग्लैंड से आया तो इंग्लैंड। ये क्या बात हुई पापा, इतने दिन हो गए, अंदर तो आए, दरवाजा बंद कर दे। इंग्लैंड से आए, कहीं से भी आए, 10 दिन बाद आ रहा है ना। वाओ मेरा बच्चा, तुम्हारे नसीब भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे के नसीब बहुत अच्छे इंशाल्लाह। उसके उसकी वजह से हैं। हाँ, इधर आ जाइए, वेलकम के पास आ जाओ। कोशिश ये करना कुछ टूटे फूटे नहीं नहीं नहीं, नहीं तो मोहब्बत में आती हो ना, इधर उधर कुछ ना कुछ गिरा के तोड़ ही देती हो। माशाल्लाह, तो मैं हमेशा उनको इसी तरह दूसरों की खुशी में खुश होने की तौफीक दे अल्लाह। आमीन। सो और कम लोग होते हैं जो दूसरों को खुशी पहुंचा के खुश होते हैं। ठीक है, सो ये केक का फाइनल लुक है।
बस ईशान जो है ना आने वाला है। ईशान जो है वो आ गया है और दरवाज़ा जो है वो पापा खोलने के लिए गए हैं। अब जो है बस ईशान दो मिनट में आ रहा है। केक वगैरह मैंने सब सेट कर दिया और मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। जी कहाँ अंदर आ रहे हो? खोलो खोलो। थ्री शान ये क्या है? वाओ वेलकम। थैंक यू मम्मी, थैंक यू मॉम। आओ और भी तो है, देखो अजो अच्छी है। डू यू लाइक इट? सो मच बोल, सो मच। और फिर हगी कौन देगा? चलो अब केक भी काटना है। और ये क्या है, ये क्या है? ओ गिफ्ट। हाँ किसके? ओए होए अश्के भाई अश्के। हाँ हाँ और है, और उधर भी है। गिफ्ट ही गिफ्ट है भाई। जूता डाल दो और चल जाओ ऊपर। आ जा बैठो। नहीं तो अब खोलेंगे ईशान गिफ्ट। ईशान ने मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई बात नहीं चलो। अल्लाह इनका मुंह देखो पिंक पिंक हो गया। मजा आ रहा है घर में? वापिस जाना है? नहीं वापिस नहीं जाना ना। आई लव यू, दिस इज फॉर यू माई लव। सोने काबिल हो गया भाई। चलो क्या है देखो। ओ वाव अन्ना जाओ भी क्या है भी कपले हैं पापा। आपने आगे से तो दिखाएं, आपने खोला ही नहीं। हाँ चिकी ता ना 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 चिकी अच्छा चकमा। ओ हो दिस इज फॉर यू माय लव। थैंक यू। ये कहाँ है? यहाँ से नहीं है बाबा, यहाँ से पीछे पढ़ ले खुद फाड़ना उनको। बच्चा भाई ना खुद ही फाड़ कर। ओए ओए अश्के भाई अश्के। आया
कहता है डू यू लाइक इट। अरे ये तो जाना क्या है भाई। हाँ दिस इज फॉर यू माई लव। खोल उभरे वो बैठ के। तुम्हें भी यही लग रहा था, इसीलिए किया था। कैसा है? अच्छा। अब जो है वो सबसे स्पेशल गिफ्ट ये मेरे बनने का। दिस इज फॉर यू माई लव। अल्लाह अल्लाह थैंक यू। नहीं भाई मेरा बेटा खोलेगा, मेरा बेबी खोलेगा। टन 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 क्या है ये? मैंने प्रॉमिस किया था ना आपसे। आपसे प्रॉमिस किया था ना मैंने, मैं लेके लाऊंगा आपके लिए। निशान से ज्यादा तो पप्पा खुश हो ईशान। मेरी तलवार तुन 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 खाना तो रेडी है और ईशान का फेवरेट डिनर बना है मैंने। पता है क्या बनाए? अंडा। ए आपको अंडा पसंद? छोड़ो सुनो, शान दादा कुछ कह रहे हैं। बाबा दो दिन से कोशिश कर रही है हर चीज का, मार्केट गई चीजें लेकर आई, मुझे तो पता ही नहीं। आई एम सरप्राइज। आई नो ईशान और सब चीजें की। और इन्ना सबसे बड़ी बात बताओ आपको क्या है कि मेरे को तो इतनी भी हवा लगी, मैंने एक मुझसे कुछ पैसे तो बात ही नहीं की। पापा को ये टेंशन है कि मैंने आपसे पैसे ले लिए। सबसे बड़ी बात है पता चलता ना बेटा। वैसे एक बात है, मोहब्बत हमने भी की लेकिन तुमने एक नया अंदाज निकाला है मोहब्बत का, क्योंकि ये चीज़ें कम देखा है, ये मेरे को तुमको अता हुआ है। और जो अता होता है ना अल्लाह की तरफ से, तो उसके अंदर पायदारी मोहब्बत ये तुमको कोई बगैर मकसद के लिए करते हैं। जब बच्चे की खुशी देखो माशाल्लाह ना, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, है ना। तो फाइनली आप लोगों को मिला रही हूँ अपने बेबी से। जानू मेरा बेटा आ गया, कैसा लगा आपको सरप्राइज? गुड। ओए ओए मैडम आपको मिस किया था फोन को? मिस किया था। कितना मिस किया था? पता है तुमको मैंने बहुत मिस किया। मेरे को मिलना होगा क्या? तो ईशान को बहुत पसंद आए गिफ्ट भी, और माशाल्लाह ये जो है ना ये मुझ पे ही अप्लाई होगी। ये मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए लेकर। तो आप लोगों को व्लॉग मेरा कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। सुनो।